हेलो, आइए आज बात करते हैं सेक्स की। सेक्स ऐसा विषय है इसके ऊपर आज भी खुलकर नहीं बोला जाता। इतनी प्रगति ये जीवन कर रहा है, ये दुनिया कर रही है, लेकिन सेक्स का जहाँ संबंध है तो वहाँ आज कल के ज़माने में भी इसके ऊपर लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। खैर, कोई बात नहीं। तो सेक्स देखा जाए तो हमारे लिए एक वरदान है, और सेक्स अगर सेक्सुअल लाइफ आपकी सही नहीं है तो इसका रिश्तों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अपने इमोशंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और खराब प्रभाव पड़ते हैं इसके, आप सब जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ आपकी कैसे अच्छी रखी जाए, फंटास्टिक नंबर वन रखी जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खाने पीने की। इन जनरल वेल तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या आप खाते हैं, कितना खाते हैं, संयम से खाते हैं, ये बॉडी के लिए जो भी अच्छा है उतना खाना, ठीक है। और दूसरा है, जितना खाते हैं फिर उतना जो पेट्रोल डालते हैं तो बर्न भी तो होना चाहिए ना, उतना धुआं भी निकालना चाहिए। तो खाने के बाद में बात आती है एक्टिविटी की, कि आप कितनी एक्टिविटी करते हैं, उसको बर्निंग कितनी करते हैं, कैलोरियों को जलाते कितना है, पेट्रोल आप फूंकते कितना है, वो आ जाती है। तो तीसरा बात आती है रेस्ट, आराम कितना करते हैं, आराम फिजिकल शारीरिक आराम ही नहीं मानसिक आराम भी कितना करते हैं। तो ये तीनों में अगर तालमेल है तो अपनी जनरल हेल्थ, आम जो सामान्य हेल्थ, वो भी आपकी अच्छी रहती है, और सेक्सुअल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है। तो पहली बात है कि दिन में आप जो भी खाएं, जैसा भी खाएं, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह का फूड प्रसिद्ध है, और आप जो भी खाएं संयम से खाएं। एक मील के और दूसरे मील के बीच में ज़्यादा वक्त ना रखें, ठीक है, वो तो कोई भी आपको बता देगा, ठीक है जी। और रात का खाना, खास करके अगर आप सेक्सुअल हेल्थ इंटैक्ट रखना चाहते हैं, तो रात का खाना जो है हल्का खाएं, हल्का भोजन खाएं, पेट भर के इमिडिएटली सो नहीं जाना है, नंबर वन। दूसरी बात है कि मानसिक आराम जो आपका है, जैसे मेडिटेशन है, कोई श्लोक पढ़ने हैं, कुछ गाना गुनगुनाना है, ऐसा इस टाइप का ना मनोरंजन, इसमें आपका टाइम कुछ जाना चाहिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात है एक्सरसाइज। सेक्सुअल हेल्थ के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है? आम देखा जाए तो रनिंग, जॉगिंग, सिंपल, वो भी अच्छी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल घर पे ऐसा माहौल है कि कहीं बाहर नहीं निकल सकते, बारिश आती है, स्नोफॉल होता है, या और कुछ आपकी मुसीबतें हैं, तो आप कुछ भी नहीं, आपको सीधा खड़े हो जाना है, पंजों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पंजों को करना है, एडी को उठा लीजिए हवा में, पंजों को ऊपर नीचे हाथों को स्विंग करो, ऐसा झूला बना दो हाथों का, आगे पीछे ले जाओ। सिर्फ इतना काम करने से भी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी होती है, जी हाँ। और इससे अगर आगे चलते हैं एक स्टेप और, सेक्सुअल हेल्थ के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, फंटास्टिक नंबर वन एक्सरसाइज, और वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है, वो होता है कि आपके पंजों के ऊपर जंप करना। दोनों हाथ साइड में रख सकते हैं, आपकी कमर के ऊपर रख सकते हैं, या कैसे भी रख सकते हैं ताकि हाथ ना हिले, कमर के ऊपर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। और आपको पंजों के ऊपर जंप करना है, जी हाँ, जंप करते जाना है, वेरी सिंपल, राइट। रनिंग जॉगिंग भी कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज आपको अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी है। और भोजन की जैसे पहले बात कर रहे थे डाइट की, डाइट में एक और चीज़ है कि डाइट में जो लोग, ये दोनों के लिए हैं, मेल और फीमेल के लिए, आपकी अगर सेक्सुअल हेल्थ थोड़ी सी आपको लगता है उतनी लेवल पे नहीं है, थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा मज़ा नहीं आता वगैरह, तो आप अदरक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। अदरक, जी हाँ, अदरक जिंजर, उसकी मात्रा आपके खाने में थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ठीक है। और वो तो बात हो गई कि रात को भर पेट खाना नहीं खाना, अब एक्सरसाइज की बात भी हो गई है ना। एक्सरसाइज ये है जनरल आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रखने के लिए। जो लोग 47 48 इनको पार कर चुके हैं, या 55 60s में ऐसे हैं, और उनको लगता है कि उनमें कुछ कमजोरियां आ गई हैं, अभी कुछ वीकनेस महसूस करते हैं, ठीक है, या किसी के क्या उसको कहते हैं कि इंटरेस्ट कम हो गया है, या फिर फंक्शनल थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, तो उसके लिए क्या करना है कि उन्होंने एक एक्सरसाइज करनी है, सिंपल एक्सरसाइज, कोई उसको कीगल एक्सरसाइज, ये वो बहुत कुछ इंटरनेट के ऊपर भरा पड़ा है, लेकिन सब कुछ
यहाँ सिंपल बता के, आसान बता के, ताकि सभी लोग कर सके, ऐसा बताने का प्रयास यहाँ पे, ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आपने सिंपल खड़े हो जाना है, ठीक है। दोनों हाथ आपकी कमर के ऊपर रख सकते हैं या फिर पीछे आपके बटेक्स के ऊपर रख सकते हैं। तो जो दोनों बटेक्स के जो मसल हैं, ग्लूटल कुछ ऐसे बोलते हैं उनको, उनको टाइट कीजिए और छोड़िए, टाइट कीजिए और छोड़िए। समझने के लिए और एक बात यहाँ पे कर लेना है, ऐसे करते हैं कि जैसे आप खड़े होते हैं, शोल्डर की विड्थ के जितने चौड़े आपके शोल्डर होते हैं, कंधे होते हैं, इतने ही आपके पांव खोल लीजिए। सीधे खड़े हैं, अब श्वास अंदर लीजिए। कैसे? ऐसे अंदर लिया, भरा, छाती में रोका, ठीक है। और नीचे से क्या किया, जो रेक्टम है, जो गुदा है, उसको अंदर खींचा। यहां से श्वास अंदर और मूलाधार जगह से आपकी गुदा अंदर, आपकी रेक्टम अंदर अंदर खींची, और यहां से श्वास इसको होल्ड किया। जितना भी आप कर सकते हैं होल्ड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसके बाद में मुंह से श्वास को छोड़ दिया और नीचे रेक्टम को भी छोड़ दिया। सिंपल एक्सरसाइज, राइट। इसके अमेजिंग इफेक्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे अमेजिंग इफेक्ट हैं इसके। पर आप ये मान लीजिए कि ये मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अच्छी चीज़ है। फीमेल्स के लिए, खास करके जो यूट्रस का कई बार प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर मुड़ जाता है, आके नीचे आ जाता है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी इससे ठीक हो जाता है। और बहुत सारी वो पेल्विक एरिया में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी इससे अच्छी हो जाती हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह के लिए, उसके लिए भी ये ठीक आता है। तो दोनों मेल फीमेल इसको कर सकते हैं। क्या करना है एक बार फिर बताता हूं। श्वास अंदर खींचना है, ऐसे होल्ड किया, नीचे से रेक्टम को ऊपर खींचा, अंदर खींचा, थोड़ा रुका, उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा रेक्टम नीचे ढीली छोड़ दी और ये छोड़ दिया। ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये खाना खाने के तुरंत बाद ये एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है। खाना खाने के इमीडिएटली बाद ये एक्सरसाइज नहीं करना। खाना खाए 1-2 घंटा हो गए हैं, खाना पच गया है, उस टाइम आप खड़े होके कर सकते हैं। जो लोग बेड रिडन है, किसी कारणवश हॉस्पिटल में हैं या बेड पे हैं, ठीक है, खड़े नहीं हो सकते, तो वो लेटे लेटे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा कारगर है खड़े रह के करने का। जी हाँ, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। बाकी सेक्स को ऐसा है, दूसरी बात जो समझने वाली है, खास करके हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस श्रीलंका, ये इस एरिया के जो लोग हैं, पता नहीं सेक्स को क्या मानते हैं कि यार झंडे गाड़ देने वाली बात है। वो राजे की इतनी रानियां थी, वो ये करता था, वो करता, कुछ नहीं ऐसे, वो सब कहानियां होती हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल चीज है, इसको शेयर किया जाता है, ठीक है। आपके पार्टनर की हड्डी पसली एक नहीं की जाती है इसमें। सेक्स कोई ऐसा नहीं है कि हाँ उठा पटक कर दो, कबड्डी कबड्डी खेल दो, गिरा दो और मैं जीत गया। नो, ऐसा नहीं है। सेक्स को ब्यूटीफुली इंडल्ज इन टू लव प्ले, स्टार्ट लैकिंग योर सेल्फ, अपने आप से पहले प्यार कीजिए, ठीक है। कोई आपकी जिंदगी में आया है, सामने वाला, उससे प्यार कीजिए, ठीक है। नजदीकियां ले आइए, ले आइए। फिर सेक्सुअल क्या होता है, आखिरी एक उसका वो होता है कि नजदीकियों का, प्यार का एक और एक्सप्रेशन है, सेक्स और कुछ नहीं है, ठीक है। उसको शेयर किया जाता है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। कंपटीशन नहीं होता, उसको शेयर किया जाता है, उसमें कोई कमजोरी नहीं होती, उसमें कोई क्या उसे बोलते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कोई हीन भावना उसमें नहीं होती कि मैं हार गया, मैं ये जीत गया, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें होता। इट्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है। उसको शेयर कीजिए उस समय। ऐसा भी नहीं कि फिर आप उसके बाद में आप नेगलेक्ट कर देते हैं, तो भी आपके रिश्ते टूट, तो भी हम लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, उनके उसमें दरार पड़नी शुरू, क्योंकि वो सूक्ष्म पल होते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, आप और आपके पार्टनर के सिवा, दो शरीरों के सिवा वहाँ और कोई होता नहीं है, ठीक है। तो आत्माओं का मिलन जैसे होता है ना, सब कुछ आपने स्विच ऑफ कर देना है, दुनियादारी चलती रहेगी, उस टाइम एंजॉय कीजिए, ठीक है, टोटली दिलो दिमाग से उसमें। उसके बाद कुछ आप बात कर सकते हैं, केयरिंग कर सकते हैं, वहां से प्लानिंग कर सकते हैं आपकी लाइफ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी आने वाली दुनिया के बारे में,
अगर ये सब सूक्ष्म बातें उस टाइम करेंगी वो बहुत अच्छी साबित होती हैं, आपको कहीं ना कहीं से ले जाएंगी। सेक्स ओनली आपको प्लेजर नहीं देता, आपको आनंद नहीं देता, अब बड़ी बड़ी उपलब्धियां और आप हासिल कर लेंगे इसके थ्रू। संत बना जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, केयरिंग, और ऐसा नहीं कि कबड्डी कबड्डी खेली फिर काम खत्म, इधर मुंह करके सो गया, एक उधर मुंह करके सो गया, खत्म, ऐसा नहीं है। वहां से तो काम शुरू होता है, ठीक है, वहां से तो केयरिंग शुरू होती है, तो वहां से बहुत कुछ और क्रिएट होता है, बनता है वहां से, ठीक है। और ऐसे कुदरत ने, प्रकृति ने इसमें सेक्स में ये क्रिया, बाकी हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, बाकी क्रिया करते हैं, तो ऐसे सेक्स भी ऐसी ही एक क्रिया है, लेकिन इसमें एक अद्भुत आनंद इसलिए जोड़ दिया है कि ये था सेक्स कोई चीज पैदा करने के लिए, यहाँ उत्पत्ति होती है, राइट, सृष्टि का कोई मॉडल के का सृजन होता है, तो उसमें एक नया आनंद जो कि शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, वैसा एक उसके साथ सेक्स के साथ जोड़ दिया है। तो और कुछ आपके सवाल हो तो लिखिएगा, कमेंट्स आपके लिखिएगा, और ताकि और इस विषय के ऊपर चर्चा की जा सके। थैंक यू सो मच, बाय।